गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी 2023 और मैं अभी लेट उठी हूँ। तो ये दोनों बच्चे जो है ना, इन दोनों ने कर दी हुई थी पोटियाँ। तो पोटियाँ किसने वॉश किया? इनके बाबा ने। आज इनका इनको इनके बाबा ने हैंडल किया, क्योंकि मैं उठ नहीं रही थी। मैं ना मुझे पता नहीं क्यों रात सही तरह से नींद नहीं आई, तो फिर मैं सुबह सो गई। ज़ाहिर है फ्रेश ना होती तो हम लोग निकल कैसे सकते थे, लेकिन आज मुझे लगता है पता नहीं हम निकल पाएंगे भाई के नहीं, क्योंकि आज ना बाहर बारिश हो रही है। और आज हमारा प्लान था बोट पे बैठने का, लाइक तो पता नहीं अब क्या करते हैं, लेट्स सी। आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये सब स्टेशन है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इतनी ज्यादा सर्दी और कह रही है जैकेट उतार रही है। देखिए जरा इसकी हालत, देखिए जैकेट उतार रही है। जब आपके हस्बैंड हो ना बिजनेसमैन, तो कहीं भी ना वो अपना काम करने शुरू हो जाते हैं, और ये हुआ है हमारे साथ। हम स्टेशन पे उतरे हैं, उनको काम पड़ गया, चलो जी यहाँ पे बैठ के वो अपना काम कर रहे हैं, और मैं और जोया बैठ के बोर हो रहे हैं। फिर स्टेशन से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। ये वाला दिन तो आज हमारा इतना खवार गुजरा है कि हमें अब बड़ा अफसोस हुआ कि हम घर से निकले ही क्यों। हमने आज बैठना था क्रूज़ पर, फेरी राइड लेनी थी, और हमने चाइना टाउन जाना था, मतलब कि हमें था कि हम चाइना टाउन विज़िट करें, लेकिन ना तो हम फेरी राइड ले सके हैं और ना ही चाइना टाउन विज़िट कर सके हैं, क्योंकि फेरी राइड पहले दिन के टाइम वाली मेरे हस्बैंड ने निकाल दी, क्योंकि उनको ना अपने कामों से फुर्सत मिले तो हम कुछ कर सकें ना। उनका कोई काम पड़ गया, उनका कोई काम आ गया लैपटॉप लेके बैठ के, और वो फेरी राइड की का टाइम था 3 बजे का, और 3 बजे हमारा ना वो टाइम निकल गया। फिर 7 बजे वाली हमने फेरी राइड लेनी थी, लेकिन 7 बजे जब हम फेरी राइड के लिए पहुँचे तो ये देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि फिर हम राइड ले ही नहीं, और इतनी ज़्यादा बादल गरज रहे थे, बिजली पड़ी थी। मैंने इनको कहा नो, अब हम वापस घर आ गए, और ये हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, यानी कि 20th जनवरी 2023, और ये दोनों जनाब सो रहे हैं। उठाओ, उठ ही नहीं रहे, मुकाबले पर सो रहे हैं। ये था वो होटल जिस पे हमने 5 नाइट्स के लिए स्टे किया था। फ्रेंड का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, वेटिंग एरिया में बैठ के। हाँ, 2 बजे हमारी ट्रेन आनी है, और रात को हमने घर पहुँच जाना है 8 बजे में भी नहीं, 2:15 यहाँ से ट्रेन चलेगी, तो हम लोग घर पहुँचेंगे तकरीबन शायद 8 बजे, फिर ठीक कब पहुँचते हैं। ये मैंने ट्रेन से कॉफ़ी ली है, जो कि बहुत मज़े की थी, क्योंकि कॉफ़ी के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कॉफ़ी, मैंने ना यहाँ से ली है कॉफ़ी, ठीक है। तो ना अभी मैं थोड़ी देर बाद ना ये फिनिश करके ना कैफे वाली साइड पे जाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे ट्रेन के अंदर कैफे कैसे। ये देखें, ये ट्रेन में ना कैफे बना हुआ है, तो हम लोग ना यहाँ पे कुछ खाने पीने गए थे, सोया बहुत बताई उसको भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा कि चलो मैंने इनको कहा कि आप वीडियो भी बना लें, ताकि हम ना मैं अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, अपने अच्छे प्यारे फ्रेंड्स को भी दिखा सकूं कि ना ट्रेन में ये देखें ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पे बर्गर्स और यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन बर्गर्स तो खैर हम यहाँ से खा नहीं सकते थे, तो हमने यहाँ से फ्राइज़ ली और छोटी छोटी चीज़ें ली, जैसे जो भी हम खा सकते थे, कॉफ़ी ली, और जोया ने M&M's लिए, और केक वगैरह लिए, इस तरह की चीज़ें। बाकी चीज़ें तो खैर हम खा नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल खा सकते हैं, तो हम लोग
ये देखें ये ट्रेन की सीट्स ऐसे बनी हुई है जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल हम एयरप्लेन में ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम ट्रेन में हैं और ट्रेन हमें छोड़ के जा रही है। और ये देखें इस टाइम इस डेट पे हमारी वापसी हो गई है आवर सिटी। बच्चे आके वापस बहुत खुश हैं अपनी गाड़ी में बैठ के क्योंकि बस गाड़ी को खैर इतने दिन हमने गुजारे हैं। खैर मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूंगी कि न्यूयॉर्क का ट्रिप हमारा कैसा रहा क्योंकि बहुत सारी प्लस पॉइंट्स हैं वहाँ पे और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। तो ना मैं घर जाऊंगी ना जब तो फिर फ्री हो गए ना तो मैं आप लोगों से सारी वहाँ की शेयर करूंगी कि वहाँ पे क्या क्या पॉजिटिविटीज हैं और क्या क्या नेगेटिविटीज हैं। सोया लुक एट मी वी आर गोइंग टू होम आर यू एक्साइटेड आर यू एक्साइटेड मेरा बेटा एंड डिड यू मिस योर होम न्यूयॉर्क देखने में बहुत अच्छा है दूर से बहुत फैसिनेट करता है अच्छा भी है वहाँ पे 4-5 डेज के लिए आप जाएं तो सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन जितने भी शराबी नशई गंद सब कुछ वो भी बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क में यानी कि न्यूयॉर्क सिर्फ देखने की हद तक अच्छा है 4-5 डेज के लिए 1 वीक के लिए चले जाएँ 2 वीक्स के लिए लेकिन रहने के लिए न्यूयॉर्क बिल्कुल भी अच्छी प्लेस नहीं है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हम लोग न्यूयॉर्क नहीं रहते। अब ये हम लोगों ने वापसी पे पिज्जा लिया बहुत ज्यादा भूख लगी थी जब नीचे उतरे हैं तो यस दिस इज आवर हाउस आर यू हैप्पी यू विल लेट यू आर यू हैप्पी दिस इज हाउस यस ध्यान बेटे उठ जाओ घर पहुंच गए। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ये देखें जोया ने मेरे साथ कुछ पिक्चर्स बनाई थी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और ये था हमारा न्यूयॉर्क का ट्रिप। थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।